हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड स्वागत है सभी का फिर से एक और नए क्लैश ऑफ क्लैंस के एपिसोड में। एंड गाइस, आने वाले टाइम पे इतने सारे ओर्स मिलने वाले हैं कि बहुत मजे ही मजे हैं, ठीक है। तो बट उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहली बात, जो स्टार बोनस जो है वो कम्युनिटी इवेंट वो कम्प्लीट हो चुका है। 4x स्टार बोनस आपको मिलेगा और 4x स्टार बोनस में ओर्स काउंट होंगे, तो बहुत सारे शाइनी एंड ग्लोई ओर्स आने वाले हैं। बट उसके लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, वो डिस्कस करेंगे। एंड उसी के साथ जो चीज़ें शेयर करूंगा वो है कि आज भाई बहुत टाइम बाद एक साथ 6 के 6 बिल्डर्स फ्री हैं, डेफिनेटली उनको काम पे लगाएंगे। क्लैन गेम्स जो है वो भी खत्म हो चुका है, तो उसके रिवॉर्ड्स पिक करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइज, अगर हेल्प करना चाहते हो अपने भाई को तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ले सकते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। ओके, तो सबसे पहली बात गाइज, शुरू कब हो रहा है? तो जून के 1 तारीख से शुरू हो रहा है 3 तारीख तक, मतलब 3 दिन आपको मिल रहा है, 1, 2, 3, और 3 बार आप ये बोनस जो है वो उठा पाओगे। तो इस बोनस को उठाने के लिए सबसे पहली बात है, ज़्यादा उठाना है तो थोड़ा लीग पुश करना पड़ेगा। अब देखो, एक थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता हूँ कि क्या सीन है, कौन से लीग्स में अगर आप रहोगे तो डिसेंट इनफ आपको मिलेगा। तो ये एक चार्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो शाउट आउट देना चाहूँगा क्लैश ऑफ क्लैंस विकी को, जो जहाँ से ये चार्ट मुझे मिला है। तो ये चार्ट में अगर आप देखोगे तो अगर आप टाउन हॉल जैसे 12-13 के प्लेयर्स हो या फिर 11-13 इन टाउन हॉल्स के प्लेयर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप चैंपियन तक पुश कर सकते हो या फिर इवन कि टाइटन तक भी जा सकते हो तो बहुत सही है। चैंपियन तक मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट चैंपियन 3 या फिर चैंपियन 2 तक रहो, क्योंकि उस लीग में आपको डिसेंट इनफ लूट भी मिलेगा, बोनस तो आपको अच्छा मिल रहा है। क्योंकि अगर आप चैंपियन 2 का जो बोनस है वो देखोगे तो शाइनी ओर्स आपको जो है वो 625 मिलते हैं और ग्लोई ओर्स जो है वो 34 मिलते हैं, तो इनका 4 गुना आपको मिलेगा, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, तो वो एक बात है। तो अगर आप टाउन हॉल 12-13 के प्लेयर्स हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैंपियन 2 में रहो, चैंपियन 1 में भी रह सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप टाउन हॉल 14-15 के प्लेयर हो तो आप तो भाई टाइटन, एकदम हायर टाइटन्स में रह सकते हो, टाइटन 1 तक रह सकते हो। मेरे को पता है टाउन हॉल 15 के लिए लेजेंड लीग सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक काम आप कर सकते हो, अगर आप टाउन हॉल 15 नेक्स्ट प्लेयर हो तो आप जस्ट लेजेंड को टच करके रहो, ठीक है। जैसे लेजेंड से लुढ़कना नहीं है, 3 दिन आपको दिक्कत होगी, आप बहुत माइनस खाओगे, वैसे टाउन हॉल 16 बहुत ज़्यादा मारेंगे बट कुछ नहीं कर सकते। बट आपको अगर और चाहिए तो ये चीज़ आप कर सकते हो। टाउन हॉल 14 के प्लेयर हो तो डेफिनेटली टाइटन 1 में रहो, ठीक है। टाइटन 1 में अगर आप देखोगे बोनस जो है वो 50, ग्लोई ओर्स जो है वो 50 है, मतलब इसका 4 गुना आपको 200 ग्लोई ओर्स मिलेंगे। तो 3 दिन में आप 600 ग्लोई ओर्स उठा सकते हो, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। ग्लोई ओर्स मिलना थोड़ा टफ होता है। शाइनी ओर्स को भी बात करें तो 925 शाइनी ओर्स हैं, तो यहाँ पे भी आप डिसेंट इनफ शाइनी ओर्स जो है वो उठा सकते हो। तो रेकमेंड करूंगा टाउन हॉल 14-15 के प्लेयर हो तो टाइटन 1, 15 को तो मैं बोलूंगा भाई आप लेजेंड ही चले जाओ, जो होगा देखा जाएगा, राइट। क्योंकि अभी आपको बस वक्त है, आज देखो आज 28 तारीख है, फिर 29, 30, 31, अभी आपके पास मोटा मोटा 4 दिन के आसपास टाइम है। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो, अगर आप थोड़े से अटैक्स लेते हो तो आप टाइटन तक जाओ और टाउन हॉल 15 लेजेंड्स घुस जाओ। अगर आप अभी फिलहाल टाइटन में हो तो लेजेंड्स जाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। चैंपियन हो तो भी जा सकते हो, थोड़ा बूस्ट वगैरह खेलना पड़ेगा बट ईजिली हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड टाउन हॉल 16 तो भाई फॉर श्योर आपको लेजेंड्स में ही रहना है, क्योंकि अगर टाउन हॉल 16 की बात करूँ तो 1000 शाइनी ओर्स मिलते हैं, 4000 हर दिन का मिलेगा, मतलब 12000 3 दिन में आप सोच सकते हो, और 54 आपको शाइनी मिलते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है टाइटन 1 से और लेजेंड से, सिर्फ 4 शाइनी ओर का डिफरेंस है। बट फिर भी अभी शाइनी ओर का क्या है, सॉरी ग्लोई ओर का क्या है ना, कि जितना मिले उतना बढ़िया, क्योंकि लास्ट के जो लेवल के इक्विपमेंट्स होते हैं आपको पता है ग्लोई ओर्स के बिना कुछ हो नहीं पाता है, तो जितना ज़्यादा मिले उतना बढ़िया। 200 से भी ज़्यादा आपको ग्लोई ओर्स मिलेंगे एक एक दिन पे, तो मिला जुला के वही बात आती है कि 600 से भी ज़्यादा ग्लोई ओर्स आपको देखने को मिलेंगे इन 3 दिनों में। तो बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है गाइस, तो बिल्कुल इसका मतलब इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। अगर इसको मिस कर दिया तो फिर पता नहीं नेक्स्ट ऐसा इवेंट आपको कब देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छे ग्लोई ओर्स आप उठाओ तो डेफिनेटली इस इवेंट को आप कंप्लीट करना है। नाउ मेरा सिचुएशन तो ये है कि मैं इस अकाउंट से तो ऑब्वियसली लेजेंड में हूँ, मेरा एक और टाउन हॉल 16 है जिसको मैं लेजेंड पुश कर लूँगा, उसमें मैं 4400-4500 ऐसे कुछ हूँ शायद से, तो उसमें 2 दिन में मैं घुस जाऊँगा उसमें लेजेंड, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लेजेंड रहना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओर्स उठा सके, और स्टार बोनस भी मिस नहीं करना, स्टार बोनस मिस करोगे तो फिर एक और बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो चलिए अब अपने काम जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं
ओके पहले एक काम करते हैं ना, बिल्डर्स को लगाते हैं पहले। अब देखो एक जाइंट बम मेरा बच्चा है मैक्स होने को, तो इसको सबसे पहले मैं डाल दूंगा एंड देन इसको इस साइड कर लेता हूँ। सारे जाइंट बम्स हमारे मैक्स हो चुके हैं और नेक्स्ट चीज़ जो हम कर रहे हैं वो है एयर सीकिंग माइंस। तो ये सीकिंग एयर माइंस जो है ये सारे 5 लेवल के हैं, तो ये एक एक लेवल अपग्रेड होंगे। और ये पीछे वाले जो है ये 4 के हैं, मतलब ये अभी भी दो दो लेवल अपग्रेड होंगे। तो पहले मैं जो 4 है उनको 5 करूंगा, उसके बाद मैक्स करूंगा, तो वो एक चीज़ है। अभी मेरे पास थोड़ा सा ट्रेजरी में शायद थोड़ा सा लूट है, यस, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक और मैं सीकिंग एयर माइन लगा दूंगा, राइट, इसको मैं इनके साथ रख देता हूँ। और उसके बाद एक काम करते हैं, एक ड्रिल मैंने अपग्रेड कर लिया ये वाला, अब इस ड्रिल को भी मैं लगा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लिग्जर है मेरे पास। तो ये एक ड्रिल मैंने लगा दिया, एक्चुअली 2 ड्रिल मैं लगा सकता हूँ, अभी भी मेरे पास 3 बिल्डर्स फ्री हैं, तो 2 ड्रिल मैंने लगा दिया यहाँ पे, नाइस। अब एक जो है मैं वॉल अपग्रेड कर लूँगा, परफेक्ट, नाइस, बढ़िया। और अभी भी 2 बिल्डर्स हैं हमारे पास, तो अब यहाँ पे एक बार चेकआउट करते हैं कि मेरे पास मैजिक आइटम्स में क्या क्या है। गोल्ड रून है, एलिक्सिर रून है, डार्क एलिक्सिर रून है, तो सारे रून्स मेरे पास एक एक पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे बुक क्या मिल रहा है? बुक ऑफ स्पेल, ओके। स्पेल में मेरा क्या काम है, एक बार चेकआउट करता हूँ। स्पेल में मेरा ओवरग्रोथ है, बैड स्पेल है, राइट। ओवरग्रोथ तो अभी इतना यूज़ नहीं करता, और ऐसे यूज़ करने से भी एक ही करता हूँ, तो फिर वो मैं ले लेता हूँ अपने क्लैन कासल में। तो बुक ऑफ स्पेल से बैड जो है वो कितना अपग्रेड होगा, एक या दो लेवल, एक अपग्रेड होगा ना, तो बैट को ही करेंगे, अभी तो फिलहाल इतना टेंशन नहीं है। अभी काम करते हैं, पहले इनको लेके रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ये लूँगा, यहाँ से क्या लूँ, गोल्ड लूँ या रिसर्च पोशन लूँ? आई थिंक रिसर्च पोशन अभी भी मेरा डिसेंट काम बचा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। गोल्ड लेने से एक और, नहीं नहीं ठीक है, रिसर्च पोशन ठीक है। यहाँ पे क्या लूँ, बिल्डर पोशन डेफिनेटली, यहाँ पे क्या लूँ, वॉल रिंग्स लूँ, पावर पोशन, यहाँ पे जेम्स ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं ये शॉवल, और यहाँ पे लेते हैं ये ट्रेनिंग पोशन। ट्रेनिंग पोशन तो लगता ही है भाई, तो उसको लिए लेना ही है। अब यहाँ पे मैं डार्क रून लेना चाहता हूँ, बट डार्क रून का प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक डार्क रून ऑलरेडी है और डार्क एलिक्सिर भी मेरे पास डिसेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डार्क रून जो है वो ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि डार्क रून लूँगा तो फिर बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा मेरा डार्क एलिक्सिर। और मेरा जो पेट है वो अभी 3 दिन 16 घंटे अच्छा खासा। ओ मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गया, आज तो एक वीडियो का एक बड़ा एलिमेंट बचा है। यहाँ पे स्टारी ओर्स उठाऊंगा मैं, एंड देन गाइस लास्ट पीस हमारा जो इक्विपमेंट का बचा है कहाँ गया, ये रहा। ओहो आज यहाँ पे फ्रोजन एरो मैक्स करेंगे हम, वाओ भाई साहब, दो दो एपिक इक्विपमेंट अपग्रेड कर मैक्स कर लिया मैंने, इजी नहीं है भाई। जाइंट गॉन्टलेट मैक्स हो गया हमारा और फ्रोजन एरो भी मैक्स हो गया। तो अभी फिलहाल जो सेट मैं यूज कर रहा हूँ उसमें सब मैक्स है, वाओ। और अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे ओर्स बचे हैं, अगर आप शाइनी बोलो और ग्लोई बोलो, स्टारी नहीं है, स्टारी में पूरा फकीरी है, बट ये दोनों बहुत है। अब जो कॉमन वाले हैं उनमें तो लगता ही नहीं है, तो वो तो एक सही चीज़ है। तो बाकी जो कॉमन है उनको थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर सकते हैं हम, जैसे हेस्ट वाइल को अपग्रेड करेंगे, फिर यहाँ पे क्वीन की क्या है, जैसे क्वीन की इसको भी मैक्स कर लेंगे, इसको तो मैं अभी कर सकता हूँ बट अभी नहीं करूँगा। हीलर पॉपेट को अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे वैम स्टैश को अपग्रेड कर सकते हैं, बाद में करेंगे, अभी इतना टेंशन नहीं है। तो ये हमने कर लिया, ये मैं कैसे भूल गया, ये तो सबसे बड़ा हाईलाइट था आज के वीडियो का। ओके, अब जैसे मैंने बताया अभी तो मैं डार्क एलिक्सिर तो और डालूंगा नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा गोल्ड थोड़ा सा एलिक्सिर है ना, उससे क्या कर सकते हैं हम, अभी तो मेरे को लगता नहीं कुछ खास कर सकते। एक काम करते हैं, कोई कलेक्टर वगैरह अपग्रेड करने के लिए डाल देता हूँ, किससे डालूँ, एलिक्सिर से डालता हूँ, इसको डाल देते हैं, एक बिल्डर फ्री रखते हैं वॉल्स के लिए। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा रिसोर्स आ रहे यार, मैं भूल ही गया, तक चलो इनको उठा लेते हैं, ये डार्क भी उठा लेता हूँ, और क्या है, एलिक्सिर और गोल्ड थोड़ा सा और है, अब कुछ नहीं है, यस। तो ये चीज़ें हैं, चलो अब एक अटैक में चलते हैं हम। यहाँ पे हम 7 अटैक्स बचे भाई, आज के अटैक्स मैं ले ही नहीं पाया, आज बाहर गया था मैं थोड़ा सा, वहाँ पे बहुत बिजी हो गया था। ओके भाई, बहुत ही क्लम्प्ड है बेस, तो ब्लिम करूँ क्या, पता नहीं, ब्लिम वैल्यू तो अच्छी है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं ब्लिम करने का। ब्लिम यहाँ पे 2 लून एंड हमारा ब्लिम आ जाएगा, ब्लिम वैल्यू अच्छी है। वैसे मैं बहुत कम ब्लिम यूज़ करता हूँ, मेरी इस आर्मी के साथ ज़्यादातर मैं सीज बैरक ही प्रेफर करता हूँ, बट इस बार मुझे ब्लिम वैल्यू बहुत तगड़ी लग रही है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइजन आ जाएगा, कम ऑन, ओके, यहाँ से क्वीन आ जाएगी, यहाँ पे ये आ जाएगा, हैं ये क्या है, सुपर विच, डिफेंस में कौन रखता है भाई सुपर विच,
क्या देख रहा हूँ, बट बुरा आइडिया नहीं है, मतलब पता नहीं, मैं भी ट्राई करूँगा इसको। भाई स्केलेटन स्पॉन मत कर देना। ओके बच गए, अभी और स्केलेटन स्पॉन कर देता तो फिर दिक्कत हो जाती, बट चलो ठीक है। अब थोड़ी क्वीन अंदर आएगी तो फिर अपना मेन आर्मी जो है वो हम बॉटम साइड से सेंड करेंगे, ठीक है। सही जा रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आप एक रेज करते हैं, गला मेरा थोड़ा बैठा हुआ है एक्चुअली, इतनी गर्मी है ना, दिन में दो तीन बार नहा नहा के फिर थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पे किंग आ जाएगा, यहाँ पे वार्डन आ जाएगा, आरसी अप्रेंटिस वार्डन। बाहर तो कुछ है ही नहीं क्लीनअप के लिए। चलो ठीक है, वेट करते हैं। एक रेज, अरे दोनों रेज गिर गया। सैड लाइफ, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। फ्रीजेस हैं हमारे पास थोड़े से, चलो इसको फ्रीज कर देंगे। इसको स्केली, इसको भी फ्रीज करना पड़ेगा, मार पड़ रही है किंग पे बहुत ज़्यादा। वार्डन एबिलिटी, अच्छा वार्डन एबिलिटी बची थी, मैंने देखा ही नहीं, नॉर्मली मैं अर्ली यूज़ करता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम है। और जो इशू है वो ये है कि मैंने इसको करते हैं इनविज, किंग एबिलिटी लेते हैं। इशू ये है कि दो रेज हमारा गिर गया था, जिस वजह से हम कोर में रेज नहीं कर पा रहे हैं, वरना एक कोर में रेज जो है वो बहुत ही अच्छा गाता। अरे क्या कर रहे हो किंग। यहाँ पे क्लीन अप स्टॉप करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे एक आर्चर, आरसी एबिलिटी ले लूँ, ले ही लेता हूँ। बढ़िया, ठीक जा रहे हैं, हो जाएगा ये। वैसे थोड़ा सा गलती तो हो गया था वहाँ पे, डबल रेज गिर गया था हमसे, बट कोई इशू नहीं है। यहाँ पे इसको ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे सारी ये आ जाएंगे। अरे टाइम इशू लग रहा है क्या? हाँ नहीं, ओ नो, 18 सेकेंड्स, पता नहीं, क्लोज है। क्वीन एबिलिटी ले लेते हैं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। थोड़ा सा लग रहा था ऐसा कि फंस जाएंगे, बट ऐसा नहीं है, हो जाएगा। ओ ओ नो, नीचे एक बिल्डिंग बच गया था, मैंने देखा नहीं, सॉरी। अरे यार एक सेकेंड के लिए रह गए हम, नीचे एक बिल्डिंग बच गया था, मैंने देखा ही। अच्छा ये तो सब ठीक है, बट अभी भी ये एक और क्या रिवॉर्ड उठाऊँ, उसका कोई सोल्यूशन मेरे को मिला नहीं है। बट कोई नहीं, ये आने वाले टाइम पे हम कुछ ना कुछ सोच ही लेंगे। गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल एज ऑलवेज, जय हिंद, बाय।